तो फ्रेंड्स आज तारीख हो चुकी है 2 फरवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, आईपीएल ऑक्शन को लेकर, इंडिया इंग्लैंड सीरीज को लेकर और सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबर है, 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा आखिर आज आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर कौन सी 8 बड़ी खबरें, कौन से 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं। तो ओवरऑल आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स जो आज 8 बड़ी खबरें निकल कर रही, इनमें जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आकाश चोपड़ा की तरफ से। दरअसल आकाश चोपड़ा ने यहाँ पर आईपीएल ऑक्शन से पहले कुछ प्लेयर्स के नाम प्रेडिक्ट किए, कुछ प्लेयर्स के नाम बताए हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग आईपीएल ऑक्शन में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनेंगे, यानी ऑलमोस्ट सभी टीमें इनके पीछे होगी और ये प्लेयर्स ऑक्शन में काफ़ी एक्सपेंसिव बिक सकते हैं और ये प्लेयर्स इस ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन सकते हैं। अगर हम बात करें उन प्लेयर्स की, तो आकाश चोपड़ा ने बताया है कि इस आईपीएल ऑक्शन में मिचेल स्टार्क, शाकिब अल हसन और मुजीबुर रहमान और इंग्लैंड के डेविड मलान ऑक्शन में काफ़ी एक्सपेंसिव बिकेंगे और इन चार में से ही कोई एक प्लेयर इस ऑक्शन का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बनेगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप आकाश चोपड़ा की इस लिस्ट से आखिर सहमति रखते हो या फिर नहीं, और आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन सा प्लेयर इस आईपीएल ऑक्शन में सबसे एक्सपेंसिव बिकेगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है केकेआर की तरफ से। दरअसल केकेआर की टीम ने यहाँ पर आईपीएल ऑक्शन से पहले अपनी ऑक्शन स्ट्रेटजी के लिए यहाँ पर इंग्लैंड के एनालिस्ट को अपनी टीम का यहाँ पर कोचिंग स्टाफ में नियुक्त कर लिया, जहाँ पर नेथन लियोमोन को ये टीम अपने कोचिंग स्टाफ में जगह दे चुकी है। तो अब ये टीम जो ऑक्शन में प्लेयर्स को परचेज करेगी वो सब कुछ अब इंग्लैंड के यहाँ पर नेथन लियोमोन एनालिसिस करेंगे और कुछ इस तरीके से ये टीम ऑक्शन में प्लेयर परचेज करेगी, जहाँ पर ओयन मॉर्गन जो कि इस टीम के कप्तान बने हुए हैं उनके रिकमेंडेशन के बाद ही इस टीम ने यहाँ पर इंग्लैंड के नेथन लियोमोन को अपनी टीम में इंक्लूड किया है। तो ऑक्शन से पहले यहाँ पर केकेआर की टीम ने भी ऑक्शन की तैयारियाँ यहाँ पर काफ़ी अधिक जोरों शोरों से शुरू कर दी है और ऑक्शन में इस टीम को ज़्यादा प्लेयर परचेस नहीं करने, मैच 6 से 7 प्लेयर परचेस करने हैं और उन्हीं 6 से 7 प्लेयर्स के लिए ये टीम एक एक्स्ट्रा कोच को भी अपनी टीम में इंक्लूड कर चुकी है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग केकेआर की टीम का ये सही फैसला है या फिर नहीं, और आपके अकॉर्डिंग केकेआर की टीम को आखिर इस आईपीएल ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर को परचेस करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है हैदराबाद की तरफ से। दरअसल हैदराबाद की टीम ने कुछ प्लेयर्स के नाम कन्फर्म किए, कुछ प्लेयर्स के नाम यहाँ पर इनकी तरफ से रिवील हुए हैं जिनको ये टीम ऑक्शन में टारगेट करेगी, परचेस करने का ट्राई करेगी। अगर हम बात करें उन प्लेयर्स की लिस्ट की, तो इनमें नाम आता है केदार जाधव का, नाम आता है हरभजन सिंह, नाम आता है यहाँ पर शाकिब अल हसन का और नाम आता है जोश इंग्लिश और नाम आता है यहाँ पर जे रिचर्डसन का। इन 5 प्लेयर्स को ये टीम ऑक्शन में टारगेट करेगी, मोस्ट लाइकली इन 5 में से ये टीम 3 से 4 प्लेयर को परचेस करती हुई दिखेगी, जहाँ पर इस टीम के पास महज 3 से 4 या फिर 5 प्लेयर्स का स्लॉट बचा है। तो ये टीम ऑक्शन में काफ़ी कम प्लेयर परचेस करेगी और यहाँ पर इन प्लेयर्स को ये टीम ऑक्शन में कन्फर्म रूप से टारगेट करेगी। वैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि किसी भी टीम के टारगेट प्लेयर की लिस्ट या फिर कोई भी आईपीएल को लेकर खबर आप मिस ना कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करें चौथी बड़ी खबर की, तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल ऑक्शन की 3 इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर। दरअसल फरवरी के महीने में हमें आईपीएल ऑक्शन देखने को मिलेगा, ना सिर्फ आईपीएल ऑक्शन देखने को मिलेगा बल्कि 3 बड़े इवेंट यहाँ पर आईपीएल को लेकर इस महीने में हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर सबसे पहले 11 फरवरी को ट्रेड विंडो क्लोज होगी, जो कि ट्रेड विंडो के आखिरी कुछ दिनों में हमें बड़ी ट्रेड्स देखने को मिल सकती है। 7 फरवरी के बाद हमें काफ़ी बड़ी ट्रेड्स देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही 13 फरवरी को यहाँ पर कुल 350 प्लेयर्स की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी, जो जो प्लेयर्स ऑक्शन में नाम सबमिट कर चुके हैं उन सभी प्लेयर्स की लिस्ट हमें 13 फरवरी को देखने को मिलेगी और 18 फरवरी को इस महीने में आईपीएल ऑक्शन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आईपीएल को लेकर फरवरी का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दे ताकि आईपीएल को लेकर कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। इसके बाद जो 5वीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज को लेकर।
कर दरअसल इंडिया और इंग्लैंड के बीच हमें 5 फरवरी से यहाँ पर 4 मैचों की काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज देखने को मिलेगी, जहाँ पर पहले टेस्ट मुकाबले में तो हमें कोई भी क्राउड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में हमें 50% तक क्राउड देखने को मिलेगा, यानी 25,000 व्यक्ति हमें क्राउड में देखने को मिलेंगे, जबकि तीसरे और चौथे टेस्ट मुकाबले में हो सकता है हमें 75% या फिर फुल 100% कैपेसिटी में हमें क्राउड देखने को मिले। तो पहले टेस्ट मुकाबले के बाद बचे हुए सभी टेस्ट मुकाबले में हमें क्राउड देखने को मिलेगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग बीसीसीआई का यहाँ पर क्राउड के साथ ये सीरीज कराने वाला फैसला सही है या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें छठी बड़ी खबर की, तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है इंडियन प्लेयर्स की तरफ से। दरअसल 20 इंडियन प्लेयर्स के नाम कन्फर्म हो चुके हैं जिन्होंने ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर्ड करवा दिया, नाम सबमिट करवा दिया है। इनमें नाम आता है मुरली विजय, केदार जाधव, नाम आता है अंकित राजपूत का, इसके साथ ही नाम आता है शिवम दुबे, हरभजन सिंह, उमेश यादव, पीयूष चावला, पवन नेगी का, और नाम आता है यहाँ पर तुषार देशपांडे, मोहम्मद अजरुद्दीन, मोहित शर्मा, एस श्रीशंत का, इसके साथ ही नाम आता है चेतेश्वर पुजारा, कृष्णप्पा गौतम, करुण नायर, सुचित का, और नाम आता है यहाँ पर युजू पठान, मनोज तिवारी और बरिंदर सरन का। इन बड़े इंडियन प्लेयर्स का ऑक्शन में आना तय हो चुका है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन इंडियन प्लेयर्स को आखिर कौन कौन सी टीमें परचेस करेगी, इन सभी इंडियन प्लेयर्स में से आखिर कौन सा प्लेयर इस ऑक्शन में सबसे एक्सपेंसिव बिकेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है एमएस धोनी की तरफ से। दरअसल एमएस धोनी अब आईपीएल इतिहास में 150 करोड़ कमाने वाले पहले प्लेयर बन चुके हैं, जहां पर आईपीएल के 12 से 13 सालों के इतिहास में ये पहले क्रिकेटर या फिर पहले प्लेयर बन चुके हैं जो कि अब तक 150 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम आता है जो कि 146 करोड़ कमा चुके हैं, और तीसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम आता है जो कि 143 करोड़ कमा चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है पंजाब की तरफ से। दरअसल पंजाब के ओनर्स की तरफ से शुरुआती रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि पंजाब की टीम आईपीएल 2021 के सीजन से पहले यहाँ पर हो सकता है कि अपने लोगों और जर्सी और अपने नाम में बदलाव कर दे। जिस तरीके से आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स की टीमों ने अपने लोगों अपने नाम में बदलाव किया था, उसके बाद इन टीमों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने नाम में बदलाव किया था, उसके बाद ये टीम 2 बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हो चुकी है। केकेआर की टीम ने अपने लोगों में बदलाव किया था, तो ये टीम 2 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। आरसीबी की टीम के लोगों में बदलाव होने के बाद ये टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुकी है, 4 साल बाद प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुकी है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर पंजाब की टीम भी प्लानिंग कर रही है कि अपने लोगो, नाम और जर्सी में बदलाव किया जाए। वैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस पर फाइनल खबर आए तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाए। और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग पंजाब की टीम को आखिर सचमुच अपनी जर्सी, लोगो और नाम में बदलाव करना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।